और आगे बढ़ते हैं मुरादाबाद से। एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज आजम खान और अब्दुल्ला आजम की कोर्ट में पेशी है। एमपी एमएलए कोर्ट में 2008 के मामले की सुनवाई होगी और जिसमें आजम खान और अब्दुल्ला आजम को अपने बचाव में सबूत पेश करने हैं। बड़ी खबर आपको मुरादाबाद से बता रहे हैं, एमपी एमएलए कोर्ट में 2008 के मामले में सुनवाई होगी और जिसमें आजम खान और अब्दुल्ला आजम पेश होंगे अपने बचाव में। आजम खान और अब्दुल्ला आजम को सबूत पेश करने हैं। हालांकि 1 नवंबर को ही आजम खान और अब्दुल्ला आजम के बयान दर्ज हो गए थे। आगे बढ़ते हैं, यमुना प्राधिकरण ने मेडिकल डिवाइस पार्क और टॉय पार्क के लिए बड़े निवेशकों को आकर्षित करना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में दिल्ली के एक होटल में मेडिकल डिवाइस पार्क प्रोजेक्ट और टॉय सिटी को लेकर इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने किया। इन उद्योगों के आने से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, इस तरह का दावा किया जा रहा है। इस इन्वेस्टर्स समिट में उद्यमियों ने मंत्री और प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ एक मंच पर संवाद किया और उनके सुझाव जाने। कार्यक्रम में यमुना विकास प्राधिकरण के सीईओ अरुणवीर सिंह, एसीईओ मोनिका रानी समेत कई अधिकारी और तमाम उद्यमी मौजूद रहे। आपको बता दें कि ये पार्क सेक्टर 33 में बनने जा रहा है, जहां खिलौना उत्पाद का मार्केट 7 लाख करोड़ का है। कार्यक्रम है मेडिकल डिवाइस पार्क को लेकर के, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और जो और भी लोग इंटरेस्टेड हैं इंडस्ट्री लगाने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, उनके साथ एक स्टेक होल्डर के साथ बैठक और सब लोगों ने खुशी जाहिर की और बहुत सारे सुझाव तो मैं सबको इस बात का भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आपका निवेश पूर्णतः सुरक्षित है। एक और बड़ी खबर उन्नाव से आ रही है, जहां आज उन्नाव के दौरे पर रहेंगे पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद। गड्ढा मुक्त सड़कों का निरीक्षण करेंगे जितिन प्रसाद। हर जिले में जाकर सड़कों का निरीक्षण कर रहे हैं पीडब्ल्यूडी मंत्री। अभी हाल ही में सीतापुर में जो सड़क थी उसका निरीक्षण किया था और फटकार भी लगाई थी लापरवाही मिलने पर। आज उन्नाव के दौरे पर रहेंगे पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद, यहां गड्ढा मुक्त सड़कों का निरीक्षण करेंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी ने 15 नवंबर तक प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का निर्देश दिया है और इसके चलते पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी हैं। और इसी कड़ी में आज उन्नाव के दौरे पर रहेंगे पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद। गड्ढा मुक्त जो सड़कें बनाई गई हैं उनका निरीक्षण करेंगे जितिन प्रसाद। बड़ी खबर, हर जिले में जाकर खुद सड़कों का निरीक्षण कर रहे हैं पीडब्ल्यूडी मंत्री। सीएम योगी के 15 नवंबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का निर्देश है और इस निर्देश को ध्यान में रखते हुए पीडब्ल्यूडी मंत्री खुद ही जो गड्ढा मुक्त सड़कें उनका निरीक्षण करने में जुटे हुए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।